दोस्तों पहले तो आप लोग डम्फर का रिव्यू देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों मर्सिडीज कंपनी का यह डम्फर है। और ड्राइवर का सैलरी यहाँ पे हाय दोस्तों, तो आप लोग कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से मेरे एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो आज दोस्तों इस डम्फर पे बात करने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये लोगो मर्सिडीज कंपनी का लोगो लगा हुआ है। आज इसी बताने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ और इसके बारे में बताऊँगा और ड्राइवर भाई को कैसे सऊदी अरबिया आना है उसके बारे में भी कुछ जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो में आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए वीडियो दोस्तों पहले तो आप लोग डम्फर का रिव्यू देख लीजिए, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों मर्सिडीज कंपनी का यह डम्फर है और 10 व्हील का ये चक्का है, देख सकते हैं यानी 10 चक्का का, देख सकते हैं आप लोग। और रिव्यू करा दूँ आपको बढ़िया से कैसा होता है डम्फर यहाँ पे। तो दोस्तों देखिए आप लोग, ये इसका डीजल टैंक है, इधर देख सकते हैं दोस्तों ये फिल्टर लगा है, देख सकते हैं आप लोग दोस्तों आप लोगों के सामने है। देखिए दोस्तों यहाँ पे हर डम्फर हो गाड़ी हो यहाँ पे ये रंगा हुआ रहेगा या तो पट्टी लगा हुआ रहता है दोस्तों, अगर नहीं लगा रहेगा तो मुखलफा आ जाता है। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, दूर से थोड़ा व्यू करा दूँ आप लोगों को दोस्तों। ये देख सकते हैं एयर वाला ये सिलेंडर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोगों के सामने है। और उसके ऊपर जो है ये है, इसमें बैटरी लगा होता है दोस्तों, और देख सकते हैं आपके सामने है। और ये देख सकते हैं दोस्तों हाइड्रोलिक टैंक है इसका, आप लोगों को अंदर का थोड़ा रिव्यू करा दूं। देख सकते हैं दोस्तों इसका डैशबोर्ड कैसा है, और उधर कंडक्टर सीट है, और इसका ये गियर है दोस्तों, देख सकते हैं गियर कैसे होता है। ये देखिए इसमें कितना गियर आप देख सकते हैं, 8 गियर है। और ये इसका दोस्तों हैंड ब्रेक है, सब देख सकते हैं आप लोगों के सामने है। और ये इसका मीटर बोर्ड है, देख सकते हैं आपको स्पीड मीटर सब यहाँ पे लगा रहता है दोस्तों, डीजल का, उधर हीटिंग का सारा लगा होता है, एयर का। और ये दोस्तों देख सकते हैं स्टीयरिंग है इसका, और देख सकते हैं दोस्तों इसका अंदर का ही रिव्यू है। बस एक कंडक्टर सीट है और इस तरफ एक ड्राइवर का सीट है, सोने वोने वाला कुछ नहीं है देख सकते हैं। वो एक दोस्तों वो फायर वाला सिलेंडर है, और ऊपर का डैशबोर्ड देखिए इसका, ऐसे ये म्यूजिक वाला बॉक्स है, म्यूजिक सिस्टम दिया है देख सकते हैं दोस्तों, और एसी भी दिया है देख सकते हैं, ये एसी वाला है देख सकते हैं, थोड़ा पुराना हो गया दोस्तों, मुमकिन 4-5 साल पुराना है देख सकते हैं। एसी भी इसमें रहता है, एयर कंडीशन है पूरा। तो दोस्तों ये देखिए इसका ये क्लच है, देख सकते हैं ये क्लच है दोस्तों, ये क्लच है इधर दोस्तों, ब्रेक है ये वाला ब्रेक है दोस्तों, ये वाला स्टार्टर है देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर बात करते हैं ड्राइवर का क्या सिचुएशन होता है आने का और सैलरी का। चलिए दोस्तों तो फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप आना चाहते हैं डम्फर में यहाँ पे सऊदी अरबिया में, तो कोई मुश्किल नहीं, आ सकते हैं। लाइसेंस आपके पास होना चाहिए हैवी, और आप जाइए बढ़िया ऑफिस में और कॉन्टेक्ट करिए, फिर बढ़िया कंपनी में आइए। फिर बढ़िया कंपनी में आइएगा तो ये फ़ायदा रहेगा कि आप जब तक रहिएगा तब तक अच्छा से रहिएगा और बढ़िया पैसा कमाइएगा। तो अगर आप लोगों को आना है डम्फर में तो आराम से आ सकते हैं, बेहिचक आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये है कि आपको इंडिया में पूरा बढ़िया से ड्राइविंग आना चाहिए, नहीं तो आप मान लीजिए कि अगर आप ड्राइवर बढ़िया से नहीं है, ज़बरदस्त होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे गाड़ी स्पीड चलता है। इंडिया में क्या है कि आप किधर से भी किधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक लिमिट है चलाने का। अगर आप थोड़ा भी रूल से बाहर जाइएगा तो तुरंत खलफा आ जाता है दोस्तों। तो आपको आना है सऊदी अरबिया डम्फर में, आराम से आ सकते हैं, बढ़िया ड्राइवर है तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लिए। आपके पास ये भी लाइसेंस होना चाहिए, और फिर आप आइए यहाँ पे, आपको लाइसेंस 3 महीने में बन जाएगा। अच्छा कंपनी रहेगा तो आपको जल्दी बनवा के दे देगा, वो आपका नसीब का बात है कैसा कंपनी आपको मिलेगा। तो
कोई दिक्कत नहीं आ सकते हैं। और दोस्तों बात करें तो डंपर ड्राइवर का सैलरी यहाँ पे कम होता है, 1500 से 1500 प्लस 200 होता है, मगर ट्रिप मिलता है। अगर आप चल रहे हो तो अगर ट्रिप का सिस्टम है तो ट्रिप मिलेगा, या तो ओवर टाइम का सिस्टम है तो ओवर टाइम मिलेगा, ये दो चीज़ मिलता है। अगर कंपनी में रहेंगे, अगर कंपनी के अंदर काम रहेगा तो ओवर टाइम मिलेगा, अगर रोड पर चलेंगे तो कंपनी का सिस्टम होता है, वो अपना ओवर टाइम देता है, कोई कोई अपना ट्रिप देता है, वो कंपनी का हिसाब है। तो इसीलिए आपका नसीब का बात है दोस्तों, तो कोई मुश्किल नहीं आ सकते हैं सऊदी अरबिया में डंपर ड्राइवर में। देख सकते हैं ये रोड का रिव्यू, और इधर देख सकते हैं ये स्कूल है, यानी यहाँ पे इसको मदरसा बोलते हैं, ये स्कूल है देख सकते हैं। और ये गांव देख सकते हैं, छोटा सा एक गांव है सऊदी अरब में, और यहाँ पे ये घर बन रहा है। और देखिए दोस्तों, और देख सकते हैं दोस्तों जैसे हवा में देखिए कैसा रंबल उड़ के आ रहा है रोड के साइड साइड में, देख सकते हैं आप लोग के सामने है। और यहाँ पे दोस्तों पेड़ पौधा बहुत कम होता है, फिर भी यहाँ पे पेड़ है देख सकते हैं, और पेड़ देखने के बाद बहुत खुशी होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे पेड़ लगाया है लोग खेत के साइड साइड में, और ऐसे रोड के रिव्यू देख सकते हैं आप लोग। दोस्तों तो ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा या तो इस वीडियो से कुछ आप लोगों को जानकारी मिला होगा तो मेरे इस छोटे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। चलिए फिर दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे, आज के लिए इतना ही।